नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और वोटरों को लुभाने के लिए नए नए घोषणा जारी कर रही है कि अगर हमारी बिहार में सरकार बनती है तो हम वोटरों के लिए ये सारे काम करेंगे। इसी क्रम में आपको बताते चले कि जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग में हम आबादी के हिसाब से निजी क्षेत्रों में आरक्षण देने का काम करेंगे। और वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सिपाही भर्ती में लिखित परीक्षा को हम समाप्त कर देंगे। वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए यह कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है बिहार में तो हम महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण देने का काम भी करेंगे। और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। किडनी कैंसर ब्रेन ट्यूमर हट का इलाज हमारी सरकार फ्री करेगी। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस 6 महीने के अंदर, हर पंचायत 6 महीने के अंदर। और गरीबी रेखा के नीचे जो भी परिवार है, किसी भी तरह का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, जांच, ब्लड सैंपल जांच को हम फ्री करेंगे। आते ही गरीबी रेखा के नीचे जो भी बच्चे जिसकी आमदनी 12,000 से 14,000 से कम है, उसके बच्चों को कोचिंग हम फ्री करें कंप्लीटली हर परिस्थितियों में। और उस पर कोई कंप्रोमाइज हमारा नहीं, सीधा इतना सवाल था। आज महत्वपूर्ण हम लोगों की तरफ से जो पार्टी ने जो निर्णय लिए कि बिहार के हित में जो गरीबी है वो सबसे महत्वपूर्ण मेडिकल को लेके है, एजुकेशन को लेके है। 6,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता नहीं है, हम लोन देंगे 2 लाख से 10 सरकार गारंटी के नाम, और 3 साल के अंदर वो लोन मूलधन के साथ लौटाना है। हम ब्याज और सूद लोन पर व्यापार है राजनीति दोनों के लिए। चौदह करते हैं कि बिहार की जनता के साथ ऐसा करोगे तो ऐसा करेंगे, नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। इसीलिए हमने तो किया है, हम लोगों ने यह तय किया है कि बेटियों को आते ही सरकार के किसी भी रोजगार में या सरकारी सर्विस में 50% आरक्षण दें। दूसरी चीज, निजी क्षेत्रों में आते ही पहला दिन सिग्नेचर करेंगे, चाहे जिसकी जितनी भागीदारी है, चाहे वो ऊंची जात का हो, चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़ों का हो, अल्पसंख्यक का हो, निजी क्षेत्रों में अविलंब तुरंत आते ही आबादी के हिसाब से हम आरक्षण लागू करें। हर परिस्थिति तुरंत किसी भी चीज हो, जिससे चीज सिपाही भर्ती में किसी भी कीमत पर रिटर्न एग्जाम को खत्म करें। फिजिकल को सिर्फ हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उसको प्राथमिकता देंगे। 7 से 10 का सर्टिफिकेट सेवाएं भर्ती के लिए काफी है, उस पर रिटर्न एग्जाम की जरूरत हमारी सरकार आएगी तो नहीं होगी। हम सिर्फ फिजिकल के आधार पर इन चीजों को करें। चौथी, दोनों गठबंधन राजनीति को व्यापार कर दिया, मतलब आप वोट कीजिएगा तब हम आपको वैक्सीन देंगे, तब उन्हें 10 लाख नौकरी देंगे, वोट दीजिएगा तो 10 लाख नौकरी देंगे। इस देश में अपराध का उपयोग इस 30 सालों में दोनों मिलकर शुरू किया और सारे उद्योग को और फिर से इन लोगों ने सारे अपराधियों को बिहार में निकल दिया है और दहशत का खान माहौल पैदा किया जा रहा है। एक तरफ एक गठबंधन सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है राज्य स्तर पे, जब जब चुनाव होता है तब
ये लोग हिंदू मुसलमान पाकिस्तान हिंदुस्तान का माहौल बना सके, बिहार की जनता को बधाई कि जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करने की धमकी दिखे विपक्ष ने रचा और सत्ता पक्ष ने हिंदू मुसलमान बिहार की जनता ने उसे बता दी। तीसरा कंप्लीट रूप से तो आपने सुना साफ तौर पे जापसी प्रमो पप्पू यादव यह ऐलान कर रहे हैं कि बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम निजी क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से आरक्षण देंगे और साथ ही साथ सिपाही भर्ती परीक्षा को हम लिखित परीक्षा को पूरे तरीके से समाप्त कर देंगे। और वहीं उन्होंने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए यह कहा है कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को 50% आरक्षण सरकारी नौकरी में देने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं और वोटरों को लुभाने का कोशिश कर रही है, ऐसे में बिहार की जनता इस बार किसको अपना मत देती है वो तो आने वाला 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये फेसबुक पेज पर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।